पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों 27 मई नूं होण वाली प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई जो नीति आयोग की मीटिंग आनी सी उसका बाइकाट किया गया तो यह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों कहा गया कि जिहड़े केंद्र सरकार के फैसले ने पंजाब सरकार दीआं लोक भलाई स्कीमां ते रुकावट बन रहे हैं। जिवें पहलां असीं फैसले देखे RDF का फैसला हो गया जां फसलां दे भाअ घटाउण दा हो गया जां कई होर तरह के फैसलों नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों यह बाइकाट किया गया तो 27 मई नूं जो प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई च नीति आयोग की मीटिंग होनी सी उसका बाइकाट मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया होर जानकारी लई तुहाडे नाल वेरवे भी साझे करदे आं। CM भगवंत मान ने पंजाब नाल संबंधित मामलों का नोटिस केंद्र सरकार नूं भेजिया। इस संबंधी नाराजगी जाहिर करदिआं उन्हां लिखिआ कि केंद्र सरकार वल्लों पंजाब दे हितां दा ध्यान नहीं रख्या जा रिहा, किसानां दे मसलिआं वल ध्यान नहीं दित्ता जा रिहा। CM मान तों इलावा आप दे कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नीति आयोग दी इस मीटिंग दा हिस्सा नहीं होणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों नाल नीति आयोग की इस बैठक का आयोजन किया सी, पर मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों नीति आयोग की इस मीटिंग का बाइकाट किया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैर हाजिरी च नीति आयोग की इस मीटिंग च सूबा सरकार का कोई होर मैंबर शामिल होएगा या नहीं। तो इतने यह भी दस दिए कि गौरतलब है CM भगवंत मान दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार खिलाफ विरोधी पार्टियों का एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाल भी गलबात की। मुंबई में शिवसेना प्रधान उद्धव ठाकरे और NCP नेता शरद पवार तो भी समर्थन मंगया। CM मान से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के आर्डिनेंस का विरोध करने राज्यसभा पेश किए जाने वाले बिल नूं छड्डण लई वख-वख राज्यां दीआं विरोधी पार्टियां तों समर्थन लैंदे दिखाई दे रहे ने।